السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बात है तो मेरी सारा की प्रवान और जाने वालों मुस्तफ़ा जान अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों आई आवाज़ गुफ्तगू से कबल हमारा मिलकर इंतहाई खुलूस मोहब्बत के साथ मोहम्मद हज़रा की जानिब लौ लगा को हुज़ूर आका इनामदार मदीन के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार जनाब रहमत मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसम नाम है दुरूद व सलाम नज़राना पेश करते हैं अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम अपने आदि के शुक्र पर करते हैं और आदि का साथ भी बाल वसल्लम रहमत और बड़ी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद की बुजुर्ग दवाई है व आफियत अल अबदान की शिफाई का व नूर अल बसार की सियाई का व आदि व सहाब ही दालिमुन हावला رسول برکت کے لیے تو پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعاما علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی جو محبت ہے اور ہماری جو نور و رسول خطاب کو جس کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ کریم علی کی و صحابہ کی بكل لحظہ و تفصیل کی عقد کی معاذ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حضرت سیدنا موسی کریم اللہ علیہ السلام کے ذکر خیر کے ذکر میں ہم نے سے قبل سماعت کیا कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मुनाज़रे में जीत गए और जादूगर आपके हुज़ूर सजदे में गिर पड़े ईमान ले आए फिर उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ और उसने जादूगरों को कत्ल करवा दिया शहीद करवा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया तो उसके दरबारियों ने कहा कि जो असल मुजरिम है मूसा उसे तो छोड़ देता है ताकि ज़मीन में फसाद बर्पा करे लिहाजा ताकि वो हमारे माबूदों को बुरा भला बहस करे तो फिर उन्होंने जवाब में ये कहा कि हम फिर से बनी इसराइल पर जुल्म करेंगे और उनके बच्चों को ज़िबह करेंगे उनके लड़कों को कत्ल करेंगे और उनकी लड़कियों को छोड़ देंगे। जब उसने ये ऐलान कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और मूसा ने कहो कि इस वही बिलदार बस देव कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह से मदद चाहो और सब्र कि बेशक ज़मीन अल्लाह ही है सारी ये उरीद हमें यशाउनी इबाद ही वो जिसे चाहे इसका वारिस बनाए बल आकिबतु लिल्मुत्तकीन और बेशक आखिरत जो है वो परहेज़गारों ही के लिए आखिर मैदान तो मुत्तकियों के ही लिए है। तो चूँकि फिरौन ने अगर ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया जाए मूसा अलैहिस्सलाम को खबर हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अब अपने कौम को तसल्ली दी तशफ़ी दी और कौम से कहा कि तुम जो है इस बात पर सब्र करो फिरौन जो तुम पर जुल्म कर रहा है यानी कि वो लोग जो ईमान ले आए जो ईमान ला चुके थे बनी इसराइल में उन लोगों से आपने खिताब किया वो कब थी जो ईमान ला चुके थे या वो बनी इसराइल जो ईमान नहीं लाए थे वो लोग इससे मुराद नहीं बल्कि वो बनी इसराइल जो ईमान ले आए थे उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस महीनू बिल्लाही वस्बिर अल्लाह से मदद चाहो और सब्र करो चूँकि अल्लाह ताला से मदद मांगना पहले है और सब्र जो है तो बाद में चूँकि आपने बनी इसराइल को दो हुक्म दिए मूसा अलैहिस्सलाम कि सब्र करो और अल्लाह से मदद चाहो अल्लाह सबसे बेहतर मुत्तकी हकीकी इंतकाम लेने वाला है। सब्र जो है वो तीन किस्म का होता है एक होता है कि ताअत यानी कि नेकियों पर सब्र करना यानी कि इंसान नेक आमाल करता चला जाए जाहिर सी बात है कि इंसान जब नेक आमाल करेगा तो परेशानियाँ आती है थोड़ी बहुत तकलीफ होती है सुस्ती काहिली पैदा होती है तो इंसान उस पर जो है उसको
दरगुजर करे, उसे छोड़े और नेक आमाल को लगातार करता रहे। नमाज पढ़ना इंसान को बड़ा भारी पड़ा, फजर में उठना बड़ा गिरा गुजरता है, लेकिन नींद सब्र करे, नींद को कुर्बान करे। अल्लाह की खातिर हमें नमाज के लिए हाजिर होना, अपने कारोबार को छोड़े, सब्र करे, थोड़ी रोजी कम कमाए, लेकिन नमाज को न छोड़े, नेकियों को न छोड़े, नेक आमाल को न छोड़े, उसमें सब्र करता रहे, नेक आमाल करता रहे। दूसरा है गुनाहों से सब्र, यानी कि इंसान गुनाह न करे। गुनाहों में इंसान को लज्जत महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, तो इंसान गुनाह न करे, गुनाह करने से परहेज करे, सब्र करे, उसका नफ्स उसे खूब बहकाएगा, शैतान उसे परगलाएगा, ये काम कर ले, आज कर ले, कल नहीं करना है, नमाज आज नहीं पढ़नी, आज फजर में थोड़ा सो लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, कल उठ जाएंगे, या थोड़ी देर 5 मिनट सोकर फिर उठ जाएंगे, तो शैतान बहकाता है, नफ्स बरगलाता रहता है। तो इंसान को चाहिए कि वो गुनाह न करे, नमाज को तर्क न करे, नमाज को तर्क करना बहुत बड़ा हो, कोई भी गुनाह हो न करे, बल्कि सब्र करे और आफात को बलाओं पर सब्र करे। तीसरी किस्म यानी इंसान के पर जो भी बलाएँ आए, मुसीबतें आए, आफतें आए, परेशानियाँ आए, तो इंसान सब्र करे, हर मामले पर शिकवा शिकायत न करे कि अल्लाह हम ही पर मुसीबत क्यों आई, परेशानी क्यों आई, बल्कि सब्र और से जो है तो काम हो, ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी अगर इसी में अल्लाह ताला यही चाहता है, इम्तिहान की मंजिल है, तो हम यहाँ से भी गुजरें। बाज ने फरमाया चूँकि यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी किस्म का सब्र मुराद है, चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को दर पड़ता ये समझाना चाहा कि अभी तो आगाज़ है, जो फिरौन ने अभी ऐलान किया कि तुम्हारे बच्चों को कत्ल करेगा, तो अभी तो आगाज़ है, इससे ज़्यादा तुम पर जुल्म करने वाला है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ये तो हार चुका है, अब अपने घोटाले पर पर्दा डालने के लिए ये और ज़्यादा जुल्म करेगा, तो तुम सब्र कर। जैसे आज के दौर में फिरौन का भी हाल है, जब भी मुसलमानों पर जुल्म सितम होता है तो रही मदद हो ही जाती है, मुसलमान का सब्र करते हैं, कोई उनके रास्ता निकालते तो ये फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो जुल्म करने की कोशिश करो। तो मुसलमानों के लिए भी यहाँ एक सबक है कि वो सब्र करें, हर काम जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर दिफा भी करें, और जहाँ मजबूरी हो वहाँ सब्र, क्योंकि सब्र तीन किस्म का भी और होता है, एक होता है मजबूरी का सब्र, मजबूरी का सब्र, एक होता है रहम व करम का सब्र, और एक होता है कि अखलाक का सब्र। तो चूंकि जब जालिम से बदला लेने की ताकत ना हो और सब्र किया जाए तो ये मजबूरी का सब्र है। अगर हम पर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत है जैसे कि आज, और हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते, और सब्र करे तो ये मजबूरी का सब्र, ये मजबूरी है, सब्र कर नहीं तो सब्र करे, शिकायत ना करे। दूसरा ये कि बदला लेने की ताकत हो लेकिन माफ़ कर दिया जाए, जब दौर पलटे, हालात बदले और अपने दुश्मन पर हमें गलबा हासिल हो जाए तो फिर सब्र कर दें, उसे माफ़ कर दें। जैसे कि मैंने इससे कबल बताया कि आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का हुई और सरकार फातेहाना शान के साथ मक्का में दाखिल हुए तो आका जी सलाम ने जो है तो कैसे करम फरमाया, फरमाया कि जो हरम में दाखिल हो जाए उसे अमान है, जो फलाह के घर में चला जाए उसे अमान है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसे अमान है, हुजूर ने अमान अता फरमाया। गलबा पाने के बाद हुजूर ने दुश्मनों से बदला नहीं लिया बल्कि माफ़ फरमा दिया, तो ये होता है अखलाक का सबर। हुजूर ने अपने अखलाक करीमाना का इजहार फरमाया कि दुश्मन पर गलबा पाने के बाद उसे माफ़ कर देना, ये भी एक तरह का सबर है। और जो तीसरा सबर है कि वो ये है कि जालिम जो जुल्म करता है तो बजाय उसके जुल्म के उस पर रहम व करम किया जाए, उसे इनाम दिया जाए, ये होता है रहम व करम का सबर, और ये अल्लाह ही की सिफत है, इसलिए कि अल्लाह ही की शान है कि वो अपने दुश्मनों को रोज़ी अता फरमाता है। कुफार, मुशरिकीन, मुर्तद, मुनाफिक, ये जो लोग हैं ये अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, लेकिन अल्लाह ने भी अपना करम फरमाए हुए कि इनको रोज़ियाँ दे रहा है, इनकी फ़ौरन गिरफ्त नहीं करता, इनको फ़ौरन पकड़ता नहीं है, फ़ौरन अजाब नहीं देता। जो लोग गुनाह करते हैं, जो लोग नमाजों को तर्क करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियाँ करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला का करम देखे कि अल्लाह उनसे रोज़ियाँ नहीं छीन देता, अल्लाह उनसे जो है तो उनकी सांसें नहीं छीन देता, बल्कि उन पर करम फरमाता, उनको मोहलत देता, उन्हें ढील देता, ये होता है रहम करम का सबब। तो ये अल्लाह ताला का निशान है
कि वो इस तरह से जो है तो अपने बंदों पर करम फरमाता है। तो बहरहाल मूसा अलैहि सलाम ने जो है तो यहाँ पर बनी इसराइल को सब्र की तलकीन फरमाई, सब्र। तो यहाँ पर आपने मुसीबत के पहले की दुआ नहीं की, मूसा अलैहि सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला इनसे मुसीबत को टाल दे, ये जो फिरौन ने अहद कर लिया है और फिर से वो बनी इसराइल के बच्चों को जुल्म कत्ल करना चाहता है तो मौला उसके इरादे से उसको बाज रख, या फिरौन को हलाक कर दे, या फिरौन को जिस तब नाबूद कर दे, या बनी इसराइल को बचा ले, ये दुआ नहीं की मूसा अलैहि सलाम, बल्कि मूसा अलैहि सलाम ने बनी इसराइल को तलकीन की कि तुम सब्र करो। क्यों? इसलिए कि ये इम्तिहान का वक्त है और इम्तिहान जब होता है तो इम्तिहान के टलने की दुआ नहीं की जाती बल्कि इम्तिहान में कामयाबी की दुआएं की जाती। जो बच्चे इम्तिहान देते हैं वो ये नहीं कहते कि अरे एग्ज़ाम टल जाए, एग्ज़ाम ना हो तो अच्छा है, एग्ज़ाम नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। तो इम्तिहान तो दिया जाता है, तो हर कोई यही दुआ करता है कि हमारा पेपर अच्छा चला जाए, हमारा इम्तिहान अच्छे से हो जाए, हमारा रिजल्ट अच्छे से आ जाए। तो यहाँ बनी इसराइल का इम्तिहान होना था, अब उन पर ज़ुल्म सितम होने वाला था, तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा सब्र करना, अभी तो इसकी शुरुआत है, फिरौन इससे ज़्यादा तुम पर ज़ुल्म करेगा लेकिन तुम सब्र का दामन हाथ से न जाने दे। ये इम्तिहान का वक्त है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि आपका करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर आने वाली मुसीबत के टलने की दुआ नहीं की कि अल्लाह मेरे हुसैन से करबला के वाक़े को टाल दे, बल्कि कहा कि अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र जमील अता फरमा, क्योंकि हुसैन का इम्तिहान था, इम्तिहान में कामयाबी की दुआ दी गई। तो आज के दौर में भी मुसलमान इससे सबक ले, इबरत हासिल करे कि अगर हम पर सारी बादशाह मुसलत है और वो जुल्म पर जुल्म किया जा रहा है तो मुसलमानों सब्र करो। इंशाअल्लाह इसका बेहतर सिला आने वाला है, आने वाले हालात बदल भी सकते हैं, आने वाले हालात में और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो मुसलमानों को चाहिए कि इसे रब की तरफ से इम्तिहान जान करके सबर करें, शिकायतें न करें कि अल्लाह ऐसे ही क्यों हो रहा, वैसे ही क्यों हो रहा। बहुत से लोगों को होता है कि मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा, तो ठीक है मुसलमान तो कीमती है ना, जाहिर सी बात है जो चीज़ कीमती होती है उसके मामला भी और होते हैं, उसी के पीछे सब लगे होते हैं, चोर भी वहीं जाएगा चोरी करने जहाँ कोई कीमती चीज़ हो। मुसलमान के पास ईमान जैसा कीमती खजाना है, अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत इसको अता फरमा दी, तो जाहिर सी बात है सारे चोर उचक के सारे वाबी देवबंदी काफिर मुशरिक मुर्तद मुनाफिक सब मिलकर इसी के पीछे लगे कि किसी तरह से मुसलमान को दीन से फेर दिया जाए, उसे इस्लाम से बर्दिश्ता कर दिया जाए, उसके ईमान की दौलत को लूट लिया जाए, किसी तरह से इनके सीनों से इश्क़ रसूल को निकाल लिया जाए। ये जो फाका कश मौत से डरता नहीं जरा रूह मोहम्मदी के बदन से निकाल, तो ये आज एक तरह का फंडा बना हुआ है। तो गैर जो है वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों को इस्लाम से बर्दिश्ता किया जाए, इसलिए वो जो है तो ऐसी तहरीकें चलाते हैं कि मुसलमानों को जो है तो मुर्तद बनाया जाए। पहला तो मुसलमानों को चाहिए कि वो सब्र करें। तो चूंकि मूसा अलैहि सलाम ने उसके टलने की दुआ नहीं बल्कि उनके इम्तिहान में कामयाबी के लिए आपने कहा कि बेशक सारी ज़मीन अल्लाह की, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी ज़मीन का मालिक बना दे, ये उसके इख्तियार में, वो कभी काफिर को देता है कभी मुसलमान को देता है, कभी मुशरिक को तो कभी मुर्तद को, कभी मुनाफिक को तो कभी मुत्तकी परहेज़गार को, जिसको चाहे तख्त पर ला कर बिठा, वो सबको मौका देता है, सबको एक मौका अता फरमाता है, उसकी शान है, उसकी कुदरत है, उसका कानून है कि हर एक को वो मौका देता है। तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि इंतज़ार करो तुम्हारी बारी के आने का, अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हें भी जो है तो ये मौका अता फरमाएगा। तो लिहाजा ज़मीन अल्लाह किसी की मिल्कियत ये नहीं है, चूँकि फिरौन कहता था कि सारी ज़मीन दे दिए जो तो मुल्के मिस्र मेरा, मैं इसका मालिक हूँ, तो चूँकि आपने कहा कि ये मिस्र क्या, बल्कि सारी ज़मीन अल्लाह ताला सारी कायनात अल्लाह की है, वो जिसे चाहता है इसका मालिक बना देता है, जिसे चाहता है वक्ती तौर पर जो है तो वहाँ की हुकूमतें अता फरमा देता है। तो लिहाजा आपने फरमाया असल चीज़ तो यह है कि वल आकिबतु लिल्मुत्तकीन, कि आकिबत जो है आखिरत जो है आखिरी मैदान जो है वो परहेज़गारों के हाथ है, असल कामयाबी तो आखिरत की है और उस दिन तो मुत्तकी लोग कामयाब।
छोटे वाले, तो दुनिया की फिक्र ना करो, दुनिया के ऐश आराम की फिक्र ना करो, दुनिया की हुकूमत की फिक्र ना करो, बल्कि आखिरत की तैयारी करो। इसलिए कि असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है, असल हुक्मरानी तो आखिरत की हुक्मरानी है। असल तो ये है कि बंदा जन्नत में जाए, वो मुत्तकियों के इख्तियार, वो मुत्तकियों को अल्लाह ताला ने उनके लिए इनाम रखा है। वल आकिबतु लिल्मुत्तकीन, बाज़ ने फरमाया कि जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में हुक्मरानी अता फरमाता, आखिरत में अता फरमाता। आप देखिए अल्लाह वालों को औलिया अल्लाह को अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इख्तियार देता है और आखिरत में भी इख्तियार देता है। हम कई करामतें औलिया अल्लाह की सुन चुके हैं, मैं यहाँ पर करामतों का जिक्र नहीं करता, सभी सुनते हैं। सरकारों से पाक की करामतें, गरीब नवाज की करामतें, फला बुजुर्ग की करामतें, तो बुजुर्गों को अल्लाह ताला दुनिया में इख्तियार अता फरमाता है, वो जो चाहते करते हैं। एक ही जस्म में जहाँ से चाहे वहाँ पहुँच जाए, पूरे समंदर के पानी को अपने कासे में समा ले, तो गर्ज के अल्लाह उनको इख्तियार देता है। दुनिया की भी इख्तियार भी होती है, आखिरत की भी इख्तियार भी होती है। तो गोया आपने कहा कि तुम भी तकवा इख्तियार करो, अगर तुम मुत्तकी बन जाओगे, परहेज़गार बन जाओगे, तो फिर अल्लाह तुम्हें दुनिया की भी हुक्मरानी अता फरमाएगा और आखिरत में भी तुम ही कामयाब होने पाओगे। तो यहाँ से मौजूदा मुसलमानों को भी सबक लेना चाहिए कि अपने हालात को बदले, अपने किरदार को बदले, अपने आप को बदले, अपने आप को शरीयत के सांचे में ढाले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दुनिया की भी हुक्मरानी अता करेगा और आखिरत की भी तुम्हें जो हुक्मरानी अता करता है, आखिरत में भी कामयाब कामरा हो जाओ। तो चूंकि वल आकिबतु लिल्मुत्तकीन, ये सब तो तकवा वालों के लिए, जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो परहेज़गार होते हैं, और ये औलिया अल्लाह होते हैं। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को तकवा की ही तरह से दावत दी कि तुम लोग सब्र करो, अल्लाह से मदद चाहो, सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, ताकि आखिरत में जो है तो तुम लोगों के हाथ मैदान में। अब यहाँ पर उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, कालू उज़ीना मिन कब्ल अन तातीना, कहने लगे कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले हम बहुत सताए गए, जब आप नहीं आए थे, आपके आमद से पहले हम पर बहुत ज़ुल्म सितम हुआ, हमें बहुत सताया गया, हम पर बहुत ज़ुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। चूँकि फिरौन ने बड़े ज़ुल्म, जब फिरौन को पता चला कि बनी इसराइल के एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है कि जो इसकी संतानत को बर्बाद करेगा, उसको ऐलान कर दिया था कि इनके बच्चों को कतल किया जाए, इनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ा जाए, बनी इसराइल पर उसने तरह तरह के जुल्म शुरू कर दिए, उनसे सारे जलील हरकी काम उन्हीं से लेता, यहाँ तक के गटर वगैरह साफ करने के काम उन्हीं से लिए जाते, उनको कोई अहदा कोई मकाम मरतबा नहीं दिया जाता, उनको जलील हकीर निगाह से देखा जाता। कोई बनी इसराइल किसी कबीले को जो है तो अगर आँख उठा कर देख लेता, तो उस पर भी उसको सजा दी जाती, सारे मुश्किल के काम उनसे लिए जाते, उन्हें एक लम्बे के लिए जो तो ठहरने नहीं दिया जाता, बल्कि दिन रात 24 घंटे जानवरों की तरह उसे काम करवाया जाता, तरह तरह के उनमें जुल्म सितम होते। तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी आमद से पहले भी हम पर बहुत जुल्म थे। यहाँ पर उन्होंने जो है तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपना अरीसा रखा, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह के नबी है जो हमसे परेशानी को दूर कर सकते। उन्होंने फिरौन से तो नहीं कहा कि जाहिर से फिरौन तो खुद जाली है, वो उनके जुल्म से कम कर रहा है, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती, उसके सामने हाथ फैलाने दामन फैलाने से कुछ हासिल ना होने वाला था। तो उन्होंने अल्लाह के नबी के सामने कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे तो इतने है ही नहीं कि हम खुदा से बड़ा है रास्त जो है तो अपनी बात बयान कर सकते। बेशक एक चीज़ समझ लो, अल्लाह तबारक व तआला सब भी सुनता है। यहाँ वाकई देव बंदी इतराज करते हैं कि तुम अल्लाह को छोड़कर नबियों से क्यों मांगते, वलियों से क्यों कहते, तो सुन लो उसका जवाब। अल्लाह सुनता सबकी है, इसलिए कि वो समी है, वो सुनता सबकी है, वो बसीर है, वो देखता सबको है। लेकिन सुनने और देखने में बड़ा फर्क भी होता है, सुनना देखना ये एक इसमें फर्क भी होता है। मिसाल मैं आपको दूं कि मान लीजिए कि अगर एक बाप उसके दो बेटे और एक बेटा नाफरमान और एक बेटा जो है तो उसका बड़ा फरमा बरदार, तो अब दोनों बेटे आए और उन्होंने अपने बाप से कुछ कहा, तो अब जब वो कहेंगे तो जब कोई जो नाफरमान बेटा है जब वो अपने बाप से कोई बात कहेगा तो बाप सुनेगा तो सही, लेकिन उस
पर तवज्जो नहीं देगा, कोई ध्यान नहीं देगा उसकी बात। और जो फरमाबरदार बेटा है, जब वो कोई बात कहेगा तो बाप उसकी बात को तवज्जो से सुनेगा, गौर से सुनेगा उसकी बात को कि ये कहना क्या चाहता है। तो नाफरमान की बात को सुनता तो है, गुजारिश की बात उसी के सामने बोले तो कान तो सुन रहे हैं ना, लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि नाफरमान है। तो अल्लाह समी है, वो सुनता सबकी है, लेकिन जो गुनहगार होते हैं उनकी तरफ उसकी रहमत मुतवज्जे नहीं होती, उसकी रहमत उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होती। और जो नेकोकार होते हैं, तकवाशियार होते हैं, जब वो अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह फौरन उनकी दुआओं को पूरा फरमा देता है, अल्लाह उनकी दुआओं को फौरन कबूल कर लेता है, अल्लाह अपने नबियों और वलियों की पुकार को पहले सुन लेता है। सुनता सबकी है, लेकिन तवज्जो उसकी रहमत जो मुतवज्जे होती है अपने खास बंदों की तरफ होती है। तो समझ ले कि ये नहीं है कि अल्लाह नहीं सुनता, बेशक अल्लाह से मांगे लेकिन वो अपने अंदर वो चीज़ बात तो पैदा करे कि खुदा से मांगने के काबिल भी हो। तो गर्ज के रब सुनता सबके, तो बनी इसराइल भी जानते हैं कि हम तो इस वक्त गुनाहों से दुखड़े हुए हैं, तो हमारी तो इतनी है नहीं कि बराह रास्त तो खुदा से कह सके। जो रब बगैर नबी के वास्ते के हमसे कलाम नहीं करता, वो बगैर नबी के वास्ते के हमसे कैसे सुन लेगा? जिसने मूसा को कलीम बनाया वो मूसा से कलाम करता है, हमसे नहीं करता। तो हमें चाहिए कि मूसा के पास जाकर अपनी बात कहे, ताकि मूसा जाकर खुदा से। तो बनी इसराइल ने भी कह दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम, चूंकि आपकी आमद से पहले हम पर बड़े जुल्म हुए, बहुत हमको सताया गया। या एक चीज और समझे कि उन्होंने कहा कि तातीना, ये बनाए लफ्ज ताती से, यानी कि आना, तशरीफ लाना। यहाँ पर उन्होंने विलादत का जिक्र नहीं किया, ये नहीं किया कि आपकी पैदाइश से पहले हम पर जुल्म हुआ, बल्कि कहा आपकी तशरीफ आवरी से पहले हम पर जुल्म होता। गोया उन्होंने एक चीज़ ये बता दी कि नबी की आमद में और आम इंसानों के पैदा होने में जमीन और आसमान का फर्क है। नबी की जो आमद होती है वो खुसूसी मकसद के तहत होती है। नबी जब दुनिया में आते हैं, अल्लाह वाले जब दुनिया में आते हैं, तो उनकी शान ही कुछ और होती है, उनकी आमद ही कुछ और होती है। इसलिए उसको पैदाइश से जिक्र न किया, बल्कि उनकी तशरीफ आवरी से उसका जिक्र किया, आम इंसानों के लिए कि वो पैदा होते। बेशक अंबिया अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में कानून के तहत अपने वालिद और अपनी माँ के शिकम से ही जो है तो दुनिया में तशरीफ लाते हैं, लेकिन उनका आना और होता है और आम इंसानों का पैदा होना और होता है। क्योंकि जब नबी की आमद होती है तो वो शान की निराली होती है। आका करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का नूर जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया तो आपकी पेशानी रोशन हो, जिस रास्ते से हजरत अब्दुल्ला गुजर जाते वो गलियां महक जाया करो। ये मेरी आका की आमद का महीना है। आका करीम सल्लल्लाहु का नूर जब हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया, आपकी पेशानी में आया, जो आपके चेहरे को देखता देखता ही रह जाता। हजारों खवातीन इस उम्मीद में रहती कि हजरत अब्दुल्ला हमसे निकाह कर ले ताकि वो नूर हमारे शिकम में आ जाए। लेकिन कुदरत को जो मंजूर था आपका निकाह सैयदा आमिना सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, और जब हजरत आमिना से निकाह हुआ तो फिर आका करीम इस्लाम का नूर अपने वालिद की पुश्त से होता हुआ अपनी वालिदा के शिकम में आ गया। सैयदा आमिना फरमाती है कि वल्लाह खुदा की कसम, जैसी तकलीफ आम औरतों को होती है मुझे ऐसी तकलीफ कभी ना हो। हमल का जो बोझ होता है, जो गिरानी होती है, जो सख्त होता है, वो मुझे कभी महसूस ना हुआ। आम औरतों को हमल का बोझ महसूस होता है, उन्हें दर्द होता रहता है, लेकिन फरमाती है कि जब से हुजूर तशरीफ लाए मेरे शिकम में मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, मुझे कभी बोझ महसूस ना हुआ। बल्कि ख्वाब में अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें होती हैं, ख्वाब में अम्बिया आकर मुझको हुजूर की आने की बिशारत देते रहे, मुबारकबादियाँ देते रहे। बल्कि मेरे साथ अजीब व गरीब मामलात होते रहे, मुझे अपने अंदर से खुशबू आती रही। कई मामला सैयदा आमिना फरमाती कि जब हुजूर की वलादत का वक्त करीब आया तो वलादत के वक्त जैसी आम औरतों को तकलीफ होती है दर्द सह की मुझे हर किस न हुई, बल्कि मुझसे नूर निकला और उस नूर की रोशनी में मैंने कैसर व कसरा के महलात को देखा। तो नबी की आमद ही कुछ और होती है। सर पर सर
रिवायतों में आता है कि सरकार नाख बुरीदा पैदा हुए, सरकार की नाख जो है वो कटी हुई थी और खतना शुदा पैदा हुए, सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना भी हो चुका था और जब सरकार तशरीफ लाए तो नूर फैला, कोई आपको बरहना देख न सका, यहाँ तक कि एक कपड़ा नमूदार हुआ सरकार को उसमें लिपेट दिया गया। और फरमाते कि जिस वक्त हुजूर की आमद हुई तो हजरत सैयदना जिब्रील अमीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 झंडे लेकर के 70,000 मलाइका और हर मलाइका के साथ 70,000 मलाइका के साथ ज़मीन पर उतरे, 1 झंडा मशरिक में, 1 मगरिब में और 1 खाने काबा पर नसब फरमाया। और बाज़ इबादतों में 1 झंडा सैयदा आमिना के घर पर लगाया। ये होती है नबी की आमद। और अल्लाह ताला ने भी कुरान में अम्बिया की आमद का जिक्र जो है इन्हीं अल्फाज में किया है। अब कुरान की आयतों को पढ़े तो जैसे कि अल्लाह ताला ने नबी की जो आमद है उसके बारे में बास एहसार जैसे अल्फाज को इस्तेमाल करना है, पैदाइश में लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना है कि नबी पैदा हो। आप देख अल्लाह ताला हुजूर के बारे में खुद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, ताकि तुम्हारे पास आया, जा का माना होता है आना, तशरीफ लाना, तुम्हारे पास आए तशरीफ लाया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन। لقد جاءكم من رسول رسول من انفسكم عزيز عليهم انتم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم, तहकीक के तुम में तशरीफ लाए तुम ही में से वो रसूल के जिन पर तुम्हारा मुसीबत में पड़ जाना गिरा गुजरता है। لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا, यहां पे बास का लफ्ज आया कि अल्लाह ने मुसलमानों पर अहले ईमान पर एहसान अज़ीम कर दिया कि उनमें अपने रसूल को मबऊस फरमा दिया। वमा अरसलनका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, यहाँ पे अरसलना का लफ्ज आया कि ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना कर दी। तो पैदाइश का जिक्र अल्लाह ने नहीं किया, पैदा होने के बारे में नहीं फरमाया बल्कि आने के बारे में, तशरीफ लाने के बारे में, ताकि लोग समझ दे कि नबी का आना और है और आम इंसानों का पैदा होना हो। अरे जिसकी पैदाइश में ज़मीन और आसमान का फर्क हो वो कब से कहे नबी की माजर में नबी हमारी तरफ है, नबी हमारे जैसे, अरे हमारी और नबी की पैदाइश में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है तो हम और नबी क्या मिसाल हो सकते हैं अल्लाह। तो गर्ज के अम्बिया अलैहिस्सलाम का आना ही एक अजीम शान का जो मामला होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सलीका कि आपकी तशरीफ आवरी से कबल हम पर बहुत जुल्म हुए, तो चूंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए थे तो नबी की आमद पर अल्लाह कैसे करम फरमाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई और आप फिरौन की गोद में पहुँचे, इधर बनी इसराइल पर से उसने जुल्म सितम करना बंद कर दिया। ये एहसान हुआ नबी की आमद का कि बनी इसराइल पर से जुल्म सितम कम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उनके बच्चों का ज़िबा बंद कर दिया गया, उनकी ड्यूटी काम की आधी कर दी गई, आधा दिन काम करे आधा दिन आराम करे, उनके लिए कुछ सहूलतें फराहम कर दी। ये होती है नबी की शान। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सुबह आ रही थी और रात जा रही थी, पूरे आलम में खुशियाँ मनाई जा रही थी। आका करीम सल्लम की आमद के साल मुफस्सिरीन फरमाते कि वो साल सबसे अच्छा खुशगवार साल, उससे मुबारक साल कोई नहीं जिस साल हुजूर की वलादत हुई। हुजूर की वलादत जिस महीने हुई उसे रबीउल अव्वल कहा जाता है। रबी का माना होता है फसल बहार, नव बहार, नई बहार। तो हुजूर आए बहार, तो हुजूर की आमद एक खुद बहार है। तो मेरे आका इस्लाम तशरीफ क्या लाए, आप सारे ज़माने में बहार आ गई, इंसानियत में इनकलाब आ गया। सैयदा दाई हलीमा फरमाती है कि मेरी ऊँटनी बीमार थी, हुजूर सवार हुए, मेरी बीमार ऊँटनी शिफायाब हो गई, वो कमज़ोर थी सेहतयाब हो गई, वो सुस्त रफ्तार थी तेज़ रफ्तार हो गई। जब घर पहुँची तो मेरी बकरियों के थनों में दूध नहीं था, उनके थन दूध से भर। सारी खुशियाँ दाई हलीमा के आंगन में उतर कर चले, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए, अल्लाह के नबी आ गए। तो नबी की आमद की शान ही और होती है। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बनी इसराइल से जुल्म सितम खत्म कर दिया गया, कम कर दिया गया। लेकिन जब जादूगर ईमान लाए तब इस मरदूद की रगे अनानियत फिर फड़की और इसने फिर ऐलान कर दिया कि अब फिर से बनी इसराइल के बच्चों को जो है तो कत्ल किया जाएगा और उनकी लड़कियों को छोड़ा जाएगा। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपकी आमद से पहले और आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद भी अब हमको सताया जा रहा। पहले तो आप तशरीफ़ आवरी नहीं थी तब भी हमको सताया गया, अब जबकि आप तशरीफ़ ले आए हैं और इस जादूगरों ने आप पर ईमान लिया है तो अब इस जालिम ने तो फिर से ऐलान कर दिया, अब क्या होगा।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी और कहा काला आसा रब्बुकुम अय्युहलिका अदुवुकुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे। बहुत जल्द वो वक्त आता है कि अब तुम्हारे दुश्मन को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसे निस्त व नाबूद कर दिया जाएगा, सफ़े दहर से उसको मिटा दिया जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर असा का लफ्ज़ आया यानी कि बहुत जल्द करीब, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया असा जब असा का रब का मकाम महबूब, करीब है कि महबूब आपका रब आपको मकाम महबूद अता हो। और ये कब हुआ? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया ही में हुज़ूर को मकाम महमूद अता फरमा दिया, बाज़ फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हुज़ूर को मकाम महमूद पर जलवा अफरोज़ फरमाए, सारे लोग उनके कदमों में होंगे, हुज़ूर फरमाते मैं हाशिर हूँ, मेरा लकब हाशिर है, मेरा लकब आकिब है, जिसके कदमों के नीचे हशर हो, सारे अव्वलीन व आखिरीन हुज़ूर के कदमों में जमा। तो उस दिन हुजूर मकाम महमूद पर होंगे, उस मकाम पर होंगे कि जिस मकाम पर तमाम लोग हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ करें, सारे अहले महशर हुजूर की हमद व सना बयान करेंगे, हुजूर की नात पढ़ेंगे, हुजूर की तारीफ करें, वो मकाम हुआ होगा। फरमाया कि महमूद बहुत जल्द हम आपको मकाम अदा करें। तो यहाँ पर भी मूसा अलैहि सलाम ने कहा काल आसा रब्बुकुम, बहुत करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे। अब बनी इसराइल ने समझे कि शायद बस हफ्ते दो हफ्ते महीने भर में ये काम हो जाए, अब तो हमें फिक्र बेफिक्री से हो जाना चाहिए कि बहुत जल्द जो है तो फिरौन को हलाक कर दिया जाएगा, हफ्ते भर में फिरौन मर जाएगा या महीने भर के अंदर अंदर जो है सल्तनत जो है तो ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ऐसा हर किसी ऐसा तो ठीक है कि करीब है हुआ, लेकिन करीब से मुराद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अल्लाह दूसरी और मोहलत देगा, क्योंकि अल्लाह की एक शान वो हर एक को मोहलत अता फरमाता है, दुश्मन को भी जालिम को भी वो ढील देता है, और जब उसका जुल्म हद को पार कर जाता है तो अल्लाह ताला जालिम और जुल्म दोनों को मिला देता है। तो लिहाजा अभी तो ये और भी जुल्म करेगा, इसलिए मैंने कहा कि तुम सब्र, अभी और भी आगे से मुसीबतें आने वाली, लेकिन मैं तुम्हें आगे के लिए खुशखबरी दे रहा हूँ कि आगे चल के वो वक्त आएगा और उस वक्त तक मुमकिन है कि बहुत सारे बनी इसराइल जो है तो इंतकाल भी कर चुके हों, बहुत सारे लोग जो है तो उस दरमियान में इंतकाल कर जाएंगे, कुछ उसकी मौत से पहले इंतकाल कर जाएंगे, कुछ उसकी मौत के बाद तक, बनी इसराइल के ज़मीन पर खलीफा बनने तक काफ़ी लोग उस वक्त तक इंतकाल कर चुके हों। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में इनको जो है तो मिस्र की हुकूमत मिली, लेकिन बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने चूँकि वादा फरमाया था, अल्लाह ने उन्हीं की हयात में जो है तो बनी इसराइल को खिलाफत अता फरमा दी। तो बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि वयस्तखलिफुकुम फिल अर्ध, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाए, तुम्हें जो है तो हुकूमत अता फरमाएगा, इसलिए कि कई फ़तालमून फ़यन्ज़ुर कई फ़तालमून, ताकि फिर देखे कि तुम कैसे हुकूमत करो। अभी फिरौन का दौर, उसको हुकूमत दी गई है, तो अभी देखा ही जा रहा है कि फिरौन क्या क्या कर रहा है, फरिश्ते बैठे उसका नामा माल लेने के लिए, और फिर वक्त भी आएगा कि तुमको भी हुकूमत दे करके देखा जाएगा तुम कैसे हुकूमत करते, तुम्हारे दौर हुकूमत में तुम क्या खुद खिलाते। यहाँ पर रब के देखने से मुराद क्या है? रब तो हर लम्हा देखता है, रब की शान ये है कि वो बगैर आँख के देखता है, वो देखने के लिए आँख का मोहताज है, सुनने के लिए कानों का मोहताज है, कलाम करने के लिए जबान का मोहताज है, तो फिर रब के देखने से क्या मुराद? तो यूँ है कि उससे मुराद देखना या जानना, ये मुराद ये है कि बाज़ औक़ात यूँ होता है कि मैं मिसाल आपको इसकी देता हूँ कि कोई अगर हम किसी एक उस्ताद होता है तो उस्ताद को अपने शागिर्दों की खबर होती है कि कौन शागिर्द जो है तो इनमें से ज़्यादा सही है, कौन कम सही है, कौन खुद सही है, कौन जो लायक है कौन नालायक है, कौन टॉप कर सकता है कौन फेल हो सकता है, तो एक उस्ताद को अपने शागिर्दों की खबर होती है। उस्ताद ये जैसे कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, कहावत जो है तो मशहूर है, तो एक उस्ताद को ये पता होता है कि मेरा फला शागिर्द टॉप करे, और फला तो फेल होने वाला है, लेकिन वो कहता नहीं, इजहार नहीं करता, क्यों? जब तक कि इम्तिहान ना हो ले,
जब इम्तिहान हो लेगा और जो जिसने टॉप करना है वो टॉप कर लेगा तब जाकर के वो उसका इजहार करता है। तो उस वक्त तक देखा यह जाता है कि जब तक इम्तिहान ना हो ले तब तक उसको देखा जाता है। तो रब ताला आलिमुल गैब है, वो सब कुछ जानता है, उसे खबर है, उसे पता है कि कौन बंदा क्या करने वाला है। इंसानों की पैदाइश से कई हज़ारों लाखों साल पहले, बल्कि रब ताला जब से तब से रब ताला बंदों के आमाल उनके अहवाल सब कुछ जानता है। इंसान पैदा भी ना हुआ था तब से रब के इल्म में है कि कौन बंदा क्या करने वाला है सभी को जानता। लेकिन जब वो ज़मीन पर आए और उस काम को करे तब उसे करता हुआ देखना और होता है। जैसा कि हमें पता है कि फैन घूमता है लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, बटन चालू करेंगे, कैसा घूमता है, ऐसा घूमता है, एंटी क्लॉक घूमता है कि क्लॉक वाइज घूमता है ना, सीधी सीध में घूमता है, उल्टी सीध में घूमता है, हमें पता है फैन कैसे, पंखा कैसे घूमता है, लेकिन फिर भी हम चलो घुमा के देखें, चालू करके देखते हैं। तो ये होता है, पता होना और है लेकिन उस काम को होते हुए देखना और है। रब जानता है, रब के इल्म में है, फिरौन क्या करेगा, बनी इसराइल क्या करेंगे, लेकिन रब ने फरमाया कि अब वो वक्त भी आता है कि बनी इसराइल को हुकूमत दी जाएगी और फिर देखा जाएगा कि अब बनी इसराइल भी क्या करेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बनी इसराइल तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अभी फिरौन का वक्त है, रब ने उसे मोहलत दी है, उसे ढील दी जा रही है, उसे बार बार दावत दी जा रही है, मेरे आने का मकसद यही है कि मैं उसे दावत देता रहूं, उसे समझाता रहूं, ताकि कल कयामत के दिन वो एतराज ना कर सके कि मौला मुझे समझाने वाला कोई ना आया, मुझे बताने वाला कोई ना आया, मुझे किसी ने दावत ना दी, मुझे किसी ने सीधा रास्ता ना दिखाया, इसलिए मैं बार बार उसे दावत देता रहूँगा। और जब उसका जुल्म हद से बढ़ जाएगा तब रब ताला उसे और उसके जुल्म को मिटा देगा, अब कयामत के दिन वो एतराज ना कर सकेगा बल्कि उस वक्त उसके नामे आमाल उसके सामने रख दिए जाएंगे। इसी तरह बनी इसराइल तुम सब्र करो, अब वो वक्त भी आएगा कि फिर अल्लाह तुम्हें भी हुकूमत देगा, तुम्हें भी जो है तो इस मुल्क की हुक्मरानी अता करेगा, फिर देखेगा कि तुम तुम्हारे दौरे हुकूमत में क्या करते, तुम कितना शरीयत का नफाज करते हो, तुम शरीयत का कितना पास रहो लिहाज रखते हो, या तुम भी इसकी तरह हुकूमत पाने के बाद सरकश हो जाते। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान को नेमतें मिलती है तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है, जब तक कुछ नहीं होता तो वो गिड़गिड़ाता है, मौला औलाद दे दे, मौला रोजी दे दे, मौला मेरी रोजी में बरकतें दे दे, मेरी लॉटरी लग जाए, फला हो जाए। और जब अल्लाह नेमत अता कर देता है, जब औलाद मिल जाती है या जब नेमत मिल जाती है तो बंदा नाशुकरा हो जाता है, पलट कर नहीं आता, वो मस्जिद याद नहीं आती, इमाम साहब ताली दे दीजिए, इमाम साहब ने दे दिया, अब काम निकल गया तो कौन इमाम साहब ना कौन हम, हर जो खुदा को बुला दे वो बंदों को बुला दे उससे शिकायत नहीं। तो रब नेमतें देता है, बंदे नेमत पाने के बाद जो है तो फिर नाशुकरा हो जाता है। तो मूसा अलैहि सलाम ने उसी तरफ इशारा करके कहा कि बनी इसराइल तुम्हारा जब वक्त आएगा ना तो तुमको भी देखा जाएगा। तो आज के दौर के लोग भी समझे और समझे, आज अगर इसकी हुकूमत है तो इसको मोहलत मिल रही है, इसने अपने दौर हुकूमत में जितने जुल्म करने के कर लेगा, लेकिन वो वक्त भी आता है, बहुत जल्द वो वक्त भी करीब है कि इमाम महदी का ज़हूर होगा और फिर जब इस्लाम अपने उरूज पर होगा तब फिर देखा जाएगा कि मुसलमानों को जब हुकूमत मिलेगी तब वो अपने दौर हुकूमत में क्या करते। और जो वक्त इनका गुजर गया, मैं माजी की एक मिसाल आपको देता हूँ कि हिंदुस्तान पर 1000 साल तक मुगलों ने हुकूमत की, क्या वो तारीख हमने नहीं पढ़ी, क्या हमारे सामने मुगलों की तारीख नहीं है, क्या उस वक्त मुसलमान हुक्मरान इस मुल्क पर काबिज नहीं थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन हुक्मरानों ने क्या किया इस्लाम के, आप अकबर को देखें, बस ज़्यादा सबकी मिसाल नहीं देता, सिर्फ अकबर की एक मिसाल आप देखें, अकबर ने अपने दौर हुकूमत में क्या किया, उसने तो दीन इलाही को राइज किया, इस्लाम की जड़ों को खाड़ने की कोशिश की। कई बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने अपनी जिंदगी रंग रलियों में गुजार दी, कोई इन्होंने फिक्र ना की, लेकिन एक बादशाह ऐसे भी गुजरे जिनको दुनिया औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद, ये वो जात है कि जिन्होंने इस्लाम का नफाज किया। वो लोग जो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने तलवार के बल पर इस्लाम को फैलाया, मैं उनके लिए एक वाकया यहाँ पर बयान करता हूँ। औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला के दौर हुकूमत का ये वाकया आप जहन में रखें, यह उस वक्त की बात है कि जब पंडित लाला राम नामी एक बरहमन हिंदू काशी में बनारस में रहा करता था और इसका खानदान बड़ा मशहूर था,
किसी चीज़ की इसको कमी ना थी। इस पंडित को सभी लोग जानते थे, पंडित लाला राम। और इसकी ज़िंदगी में एक हादसा ऐसा भी गुजरा कि इसकी उम्र जब काफ़ी हो चुकी और औलाद भी थी, तब इसके घर में जाकर के एक लड़की पैदा हुई। लड़की बड़ी हसीन और जमील, बड़ी खूबसूरत, बड़े नाज और नखरों से इस लड़की को पाला गया। और माँ बाप की अकीदत का, मोहब्बत का आलम उसके साथ ये था कि सुबह होते ही सबसे पहले उसके चेहरे को देख, उसे देखे बगैर उनके लिए खाना पीना उनके हलक से नीचे ही उतरता था। अपने लिए उसको हराम समझते, पहले उठ करके बेटी को देखेंगे उसके बाद जाकर के कोई काम करते। बड़ी मोहब्बत की बेटी, लिहाजा अपनी बेटी को बहुत चाहते थे। जब लड़की बड़ी हुई और सारे शऊर में पहुंची तो उसके हुस्न के चर्चे हर तरफ होने लगे। यहाँ तक के जब वो हर हुनर में कामयाब हो गई और जब वो रोज़ाना सुबह में उठ करके गंगा स्नान के लिए जाया करती तो लाखों की भीड़ लग जाया करती थी उसको देखने। लेकिन बड़ी गैरतमंद बाया लड़की थी, कभी जो है तो नज़र उठाकर किसी की तरफ नहीं दे। और साल में एक मरतबा हनुमान मंदिर में पूजा के लिए जाया करती थी। तो उस वक्त दूर दूर के से लोग जो है तो सिर्फ उसको देखने के लिए उस मंदिर में आया करते थे कि तिल रखने की जगह नहीं, सिर्फ उसको देखने के लिए। कई लोग पुजारियों का वेश बदल करके वहाँ मंदिर में आकर के बैठ जाया करते थे। तो उसका प्यार से माँ बाप शकुंतला कहा करते थे। और जब वो उम्र की उस तहलीज पर पहुँच गई कि जब उसका निकाह कर दिया जाए, उसकी शादी कर दी जाए, तो चूँकि कई तरह से रिश्ते आए लेकिन माँ कभी उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती। वो ये चाहती थी कि मेरी बेटी हमेशा मेरे पास रहे, इसलिए वह ऐसे लड़के की तलाश में थी कि जो तमाम खूबियों से आरास्ता पैरास्ता होने के साथ साथ घर जवाई बनने के लिए तैयार। कई बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आए लेकिन मुस्तरद कर दिए। इन्हीं अयाम में हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की हुकूमत की जानिब से इब्राहिम खान नामी शख्स उस इलाके का कोतवाल मुतय्यन किया गया। बनारस का काशी का जो है तो कोतवाल उसको बना करके भेजा गया। और ये इस कदर बदमाश अय्याश किस्म का हवस परस्त था कि कोई भी औरत, कोई भी जवान लड़की इसकी हवस से बच नहीं सकती। इसका मशगला यही था कि ये हर रात अपनी जो है तो ऐसी औरतों के साथ गुजार दिया करता। इसके कारिंदे रोज़ाना शहर में भटका करते थे और दूर दूर से इसके लिए ऐसी लड़कियाँ फराहम किया करते। एक दिन इसके जासूसों ने इसको खबर दी कि हुजूर वाला आपको नाक अपना खून जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त का सबसे बड़ा कीमती हीरा तो इसी बनारस में है। इसी काशी में कहते हैं कि लाला पंडित लाला राम की जो बेटी है वो बड़ी हसीन और जमील है, अगर आप हुक्म दें तो उसे जो है तो आपके यहाँ पेश कर दिया जाए। उसकी तारीफ सुनने के बाद उसने कहा कि अच्छा जाओ पहले उसके घर का आता पता सारी चीज़ें उसके बारे में मालूम करके रख लिया, लिहाजा सारी डिटेल उसको यह तो दे दी। अब इधर जो है कई दिनों से पंडित जी का चेहरा उतरा हुआ, अंदर से उसको जो है तो चीज़ कोई चीज़ जो खाए जा रही थी बीमारी थी ये पता नहीं चलती। बीवी और बेटी हमेशा उसको पूछते रहते कि आखिर माजरा क्या है, बात क्या है कि तुम कुछ बताते नहीं। एक दिन मस्जिद होगा जब उन्होंने सारी बातें पूछी तो उसने कहा कि तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इस वक्त शहर का जो कोतवाल है वो बड़ा ही हवस परस्त है, बड़ा ही नफ्स परस्त है, लिहाजा कोई भी दोशेज़ा कोई भी लड़की इसकी हवस से बच नहीं सकती है। लिहाजा चंद दिनों पहले की बात है इसने मुझे जो है तो बुलाना भेजा, इसके कारिंदे मेरे पास आए और उन्होंने आकर के मुझे कहा कि तुम्हें कोतवाल ने बुलाया है। मैं समझ गया इसके पीछे इसका मकसद क्या है, उसकी हुकूमत है, चारों न चार मुझको जाना पड़ा। जब मैं उसके पास पहुँचा तो उसने मुझसे कहा कि सुना है कि तुम्हारी एक जवान बेटी है जिसका नाम शकुंतला है और वो तहलीज की इस उम्र पर पहुंच चुकी है कि उसका निकाह कर दिया जाए, लिहाजा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि उसकी डोली सजाकर मेरे यहां भेज दी जाए। अगर तुमने ऐसा न किया तो फिर सोच लो मैं खुद अपने सिपाही भिजाकर उसे उठवा लूंगा। और ये मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज है, तीर कमान जिस तरह तीर कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, मेरे जो अल्फाज है वो वापस नहीं हो सकते। तो कहने लगा कि मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, मुझे अपनी इज्जत का, अपनी नामूस का, अपने ख़ानदान का हर चीज़ का ख्याल आया। मैंने उसे हर तरह की गुहाई दी लेकिन उस पर ज़रा भी कोई असर न हुआ। कहने लगा एक हफ्ते के अंदर अंदर के काम हो जाना चाहिए,
अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं अपनी सिपाही भेज कर तेरी बेटी को उठवा लूँ। लिहाजा आज छठा दिन है और कल सातवां दिन है, अब जो है तो मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। ये सुन करके माँ और बेटी दोनों पर तो जैसा एक पहाड़ के ऊपर पूरे घर में कोहराम मच गया। अब क्या करे, बाप जो है तो हर सबसे ज़्यादा फिक्र इज्जत और नामूस की थी कि हमारा क्या इज्जत क्या हो, जान जाए तो बात और है। इसलिए उसने कहा कि मुझे तो एक ही रास्ता नज़र आता है कि हम जो है तो जा करके गंगा के चरणों में अपने जो है तो परानों को जो है तो डाल दे, वहाँ जा करके खुदकुशी कर ले। लिहाजा उठ करके जाने लगा, लेकिन बेटी ने बाप के कदम पकड़ लिए, कहने लगी हमें ये वक्त से पहले यकीन न करो, अभी भी वक्त है। लिहाजा कोई तदबीर का हथियार इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा तुम एक काम करो, उससे जाकर के एक महीने की मोहलत ले आ। बाप ने कहा कि एक महीने की मोहलत अगर वो दे भी दे तो होना क्या है, फिर एक महीने के बाद तो वही होना है जो आज होना है, तो जो काम हमें एक महीना बाद करना है वो आज ही क्यों ना कर ले, आज ही हम जो है तो अपनी जान क्यों ना दे। बेटी ने कहा कि एक महीने के हालात बदल भी सकते हैं, कोशिश करने में जाता क्या है, लिहाजा तुम उससे मोहलत तो लेकर के आओ। बेटी के इशरार पर, बेटी के कहने पर वो गया और जब वहाँ पहुँचा तो उसके लोग जो तो पहले ही से इंतज़ार में थे। आते ही उसे देख के कहने लगे टोली कहाँ है, कहने लगा कि मुझे जो है एक महीने की मोहलत चाहिए। लिहाजा जब वो कोतवाल के सामने पेश किया गया और कहा कि मेरी बेटी तो आपके यहाँ आने के लिए तैयार है, लेकिन माँ बाप है हमें गवारा नहीं होता कि तंग के कपड़ों पर बेटी को भेज दिया जाए, इसलिए हम चाहते हैं एक महीने की मोहलत दे दी जाए ताकि शादी की तमाम तैयारियां हम कर लें, अपने मजहब के मुताबिक रस्म रिवाज के मुताबिक हम उसे सजा संवार करके तेरे पास भेज दे। लिहाजा उसकी आंखों में हवस का शैतान नाचने लगा, वो सुनकर खुश हो गया, कहने लगा अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो मैं एक महीने की मोहलत देता हूँ, लेकिन ख्याल रहे एक महीने के ऊपर एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसके बाद जो तुम्हें फौरन जो है तो उसे मेरे यहाँ डोली में बिठा करके लाना होगा। बात सुन करके वो जो है तो बाप खुशी से वापस आ गया, बेटी से आकर सारा माजरा कह दिया कि उसने एक महीने की तो दे दी है। बेटी ने कहा कि अब आप ऐसा कीजिए कि मुगल शहजादे जो कपड़े पहनते हैं जो लिबास पहनते हैं मुझे वैसा लिबास ला करके दे दीजिए और एक घोड़े का इंतजाम कर दीजिए। बाप ने कहा कि बेटी इन चीज़ों को लेकर के क्या करोगी, इन सामान से तुम क्या करोगी, मर्दाना लिबास पहनकर क्या करोगी। कहा कि इस वक्त आप मुझसे तफसील न पूछे, इस वक्त जो है तो मुझे बस अपनी तदबीर करने दीजिए। बाप ने तमाम चीज़ें मुझे तो फराहम कर दी। रात का जब एक पहर गुजर गया तो बेटी ने कहा मुझे अपनी मुहिम पर निकलना, अब जो काम मुझे करना है उसके लिए मुझे जाना है, मैं एक महीने के लिए आज जा रही हूँ और ठीक एक महीने से दो दिन पहले मैं लौट कर आ जाऊँगी, मेरे जाने की खबर किसी को मत होने दे। लिहाजा इधर वो अपनी मुहिम पर रवाना हुई। वक्त बीता, जुमा का दिन था, दिल्ली जो कि हिंदुस्तान की राजधानी है दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जुमा के दिन तमाम उलमा मशाइख की पालकियाँ जो है तो नमाज जुमा के लिए जामे मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी और वक्त के बड़े बड़े कीमती हीरे जो तो सफ़ों में बिखर रहे थे। और जैसे ही पहली तोड़ सर हुई तो बादशाह की सवारी बड़ी शाहाना करोफर के साथ निकली और हर तरफ से सलामत मुबारकबाद की दुआएं जो तो दी जाने लगी। हर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आ गए, जैसे कि मस्जिद की दहलीज पर पहुंचे आपने अपना सर खम कर दिया। ये पहला सज्दा था जो बारगाह खुदावंद कुद्दूस में बतौर अकीदत के पेश किया गया। आप मस्जिद में दाखिल हुए, उसके बाद नमाज भी, नमाज के बाद सुन्नतें वगैरह से फारिग हुए, ऐलान हुआ कि वक्त के फरमान रवा शहनशाह सुल्तान और औरंगजेब आलमगीर तशरीफ ला रहे। तमाम लोग जो मुल्क के दूर दूर से आए हुए थे अपने अरीजे लेकर के, वो सब मस्जिद की तहलीज से जो है जो तो वहाँ से लाइन लगा करके खड़े हुए और आपके जो अराइस थे जो कलमदान लेकर के जो है आपके जो साथी थे वो ले खड़े हो गए और औरंगजेब के दाएं बाएं हो। जब औरंगजेब आलमगीर मस्जिद से बाहर निकले तो जो लोगों की लाइन लगी हुई थी जो अपनी अपनी फरियाद लेकर के आए थे सुल्तान की बारगाह में, उन्होंने अपनी फरियाद बयान करना शुरू की। आप अपने साथ वालों को हुक्म देते इनका रिसा लिख दिया जाए, इसके लिए हुक्म लिख दिया जाए। सबके साथ ये करते करते जब आप अखीर में पहुँचे तो देखा कि एक नौजवान है जो मुगल लिबास में है और वो खड़ा हुआ है। जैसे ही आपकी नज़र उस पर उठी तो उसकी नज़र नीचे चली गई और एक रोशन ज़मीर बादशाह को हकीकत तक पहुंचने में देर नहीं लगी कि ये मर्द नहीं औरत, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि वक्त के वली काबिल भी थे। देखते ही समझ गए कि ये मर्द नहीं औरत है। लिहाजा आपने कहा कि तुम अपने नकीबों से कहा कि इस नौजवान को मेरे साथ जो है तो महल में लाया जाए।
इसे दरबार आम में पेश किया जाए। जब वो दरबार में पहुंचा, आपने हुक्म किया कि दरबार खाली कर दिया जाए। दरबार खाली कर दिया गया, आपने अपनी जो शाल है वो उतार करके उसकी तरफ बढ़ाई, निगाहें नीची करके, और कहा कि लो बेटी अपने सर से दस्तार उतार करके इसे ओढ़। इसलिए कि एक गैर महरम औरत को ये जेब नहीं देता कि वो अजनबी मर्द के सामने अपने चेहरे को खोल कर खड़ी है। आपने अपनी चादर उसको अता फरमाई और कहा से ओढ़ लो। उसने जो है तो उस चादर को ओढ़ लिया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगी कि आपने मुझे बेटी कहकर के पुकारा। वो बड़ी खुश हुई, लेकिन कहने लगी कि ऐ सुल्तान, जरा मेरी हकीकत भी जान ले कि मैं एक बरहमन लड़की हूँ, मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, एक बरहमन लड़की हूँ। तो इस पर हजरत औरंगजेब फरमाते हैं, तब तो तुम्हारे लिए मेरा जज्बा शफ़क़त पहले से ज़्यादा दुगना हो, इसलिए ताकि तुम समझ लो कि इस्लाम अपने फरमान रवाओं को इतनी ताकत अता कर देता है कि जब वो किसी मुल्क पर हुकूमत करते हैं तो वहाँ के जिन बाशिंदों का वो जिम्मा अपने जिम्मे ले लेते हैं उनकी हिफाजत करना उनका फरीज़ा-ए-ऐन बन जाता है। इस्लाम अपने मानने वालों को ये दर्स देता है कि जिन कौमों की हिफाजत का वो जिम्मा उठा लेते हैं फिर उसे वो पूरा करके रहते हैं। लिहाजा अब तो तुम्हारी दिल जोई कर रहा और तुम्हारी फरियाद सुनना मेरे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो गया, लिहाजा अपनी जो बात है वो तुम बिना खौफ बयान करो। उसने सारी दास्तान बयान की। हजरत औरंगजेब के चेहरे पर एक रंग आता, एक रंग उतरता, कभी आंखों से आंसू जारी होते, कभी चेहरे पर गज़ब के आसार नुमाया होते। आपने जब उसकी पूरी बात सुन ली तो आपने कहा अच्छा ठीक है, अब दो महीना मुकम्मल होने में 2 दिन का वक्त है, तुम अपने घर लौट जाओ और जाकर अपनी शादी की तैयारी करो, अपनी टोली तैयार। वो जो है तो वो टूट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मैं इतनी उम्मीद लेकर के आई थी सुल्तान की बारगाह में कि हजरत औरंगजेब जो है तो मेरी फरियाद सुनेंगे और ज़रूर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये क्या, उन्होंने मुझे हुक्म दे दिया कि तुम शादी की तैयारी करो। फिर लिहाजा वो बड़ी टूट करके मायूस होकर के लौटने लगी, लेकिन रास्ते में कभी ये भी ख्याल आता कि औरंगजेब ने मुझको बेटी कहा है और कोई बाप अपनी बेटी को बर्बाद नहीं होने देता। ये तो वक्त का सुल्तान है, जब उन्होंने बेटी कहा है तो ज़रूर कोई हिम्मत भी होगी, ज़रूर बेटी की लज्जा बचाने भी आएंगे। लिहाजा वो अपने घर पहुँची और पहुँच करके जब उसने माँ बाप को सारा वाक्य सुनाया कि मैं तो बड़ी उम्मीद से गई थी, लेकिन जो है तो सुल्तान ने हुक्म दिया है कि तुम अपनी डोली तैयार करो, शादी के लिए तैयार हो जाओ, अपनी डोली सजा लो। लिहाजा मैं एक बरहमन लड़की हूँ, मैं जान तो दे सकती हूँ लेकिन अपने बाप का हुक्म नहीं डाल सकती। वक्त का सुल्तान है, उन्होंने मुझे बेटी कहा है, मैं उनका हुक्म नहीं डालूंगी, अब मैं शादी करूंगी, मैं अपनी डोली के लिए तुम लोग तैयार करने के लिए तैयार हो जाओ। लिहाजा वो दिन आया, वह वक्त आया कि जब इसकी शादी होनी थी, लिहाजा डोली तैयार कर दी। डोली जो है तो कोतवाल के घर के लिए निकाल दी। इधर कोतवाल खुशी से जो है तो पागल हुए जा रहा था, बुढ़े पे गोया जवानी चढ़ाई थी, अपने बाल को खिसाब किया, काला खिसाब लगाया, बूढ़ा हो चुका था लेकिन ऐसा बना जैसे कि बूढ़ी लाल लगा, लिहाजा गोया ऐसा जवान सा। और फिर जो है तो लोगों में, फ़कीरों में जो है तो खैरात बांटने लगा। काशी के तमाम फ़कीर जो है तो वहाँ जमा हो गए, आज खैरात बढ़ रही कोतवाल की। लिहाजा एक मुखबिर ने आकर के खबर दी कि टोली बहुत करीब आ चुकी है, अगर हुक्म हो तो सरकार खुद चल करके जो है तो खैरात तकसीम करे। जैसे ही टोली उसके दरवाजे पर पहुँच, वो खुशी से बाहर निकला और ख़ुद जो है तो अपने हाथों से खैरात उठाने लगा, पैसे उठा करके अपने मुतकब बराना अंदाज में उसे ज़मीन पर फेंकने लगा और कहने लगा जिसको लूटना है वो लूट। लिहाजा जब वो करके फारिग होकर के अंदर जाने लगा वापस, तब एक फ़कीर ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका दामन पकड़ लिया और कहने लगा कि कोतवाल का इकबाल सलामत हो, मैं भी फ़कीर हूँ, मुझको भी कुछ अता कर दिया जाए। तो कहने लगा कि जो ज़मीन पर सिक्के पड़े हैं ये उठा ले, तेरे लिए काफ़ी है, इससे तेरा दामन भर जाएगा। कहने लगा नहीं, मैं तो आप ही के हाथों से लूँगा, आज बड़ी खुशी का दिन है, मैं तो तय करके आया हूँ कि तुम्हारे ही हाथों से लूँगा। लिहाजा कहा अच्छा ठीक है, तू मस्जिद है तो मैं ही देता हूँ। ये कहकर उसने हाथ अपनी जेब में डाले और जैसे ही पैसे निकाल करके देने लगा, उस फकीर ने अपना चोला फेंका, जब सामने देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, इसलिए वो कोई फकीर नहीं, सुल्तान औरंगजेब आलमगीर। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर वहाँ सामने खड़े थे, जिन्हें देखते ही उसके पैरों से जमीन निकल गई
उसका खून सूख गया, गोया एक बुत की मानित बन गया। आपने फरमाया नए ननंगे इस्लाम कि तुझे इसी दिन के लिए मैंने यहाँ पर भेजा था कि तू मेरी रियाया पर ये जुल्म सितम करे, क्या तुझे इसीलिए यहाँ का कोतवाल बनाया गया था कि तू लोगों की इज्जत व आबू के साथ खेले, तू कौम की इज्जत आबू को कुचलता रहे। लिहाजा वो दस्ता जो दही से चला था वो भी वहाँ पहुँच गया। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस जालिम को पकड़ लिया जाए और इसके दोनों पैरों को खूंखार हाथियों के पैरों से बांधकर हाथियों को मुखालिफ सिंह में दौड़ा दिया जाए। सुल्तान का हुक्म होते ही सिपाहियों ने उसको पकड़ा, उसके पैरों में रस्सी बांधी और उसको हाथियों के पैरों से बांध दिया और हाथियों को पूरी ताकत के साथ अलग अलग सूत्र में दौड़ा दिया। उसके छीतड़े उड़ गए, कौम इस मंजर को देखने के लिए जमा हो गई और तमाम लोग हैरत में थे कि वक्त के सुल्तान ने एक बरहमन लड़की की इज्जत व आबरू बचाने के लिए कितना अजीम फैसला फरमाया। जब उसको कैफर किरदार तक पहुँचा दिया तब आप जो है तो उसके घर गए और आपने कहा कि मुझे पानी दिया जाए, मैं प्यासा हूँ, क्योंकि जिस दिन से शकुंतला मेरे घर आई और उसने अपनी फरियाद मेरे सामने पेश की थी, मैंने उसी दिन अपने रब से अहद कर लिया था जब तक मैं इस बरहमन मजलूम लड़की को इंसाफ न दिला दूंगा मैं पानी का एक घूट अपने हल पर से नहीं छीनूंगा। लिहाजा उसने कहा कि ऐ दयालु महाराज, मुझे यकीन था कि आपने मुझे बेटी कहा है, ज़रूर मेरी लज्जा बचाने आएंगे। मैंने पहले ही अपने इस घर के आगे एक चबूतरे पर, जो कि हमारी खुद की मिल्कियत है, हमारी ज़मीन है, वहाँ पर एक चबूतरा बना दिया है, वहीं पर आपकी नमाज का इंतज़ाम भी कर दिया गया है और वहीं पर पानी और भोजन का इंतज़ाम भी। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह वहाँ पहुँचे, आपने वुज़ू फरमाया, दो रकअत नफल नमाज अदा फरमाई और आपने उसके बाद पानी पिया। जब आप चलने लगे तो वो पंडित लाला राम आपके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, कहने लगा कि अरे सरकार, अरे जहांपनाह, आज आपने अपने सजदों से इस ज़मीन को पवित्र कर दिया है, अब हम ऐलान करते हैं कि इस ज़मीन को हम अपने काम में नहीं लाएंगे, हम इसे मस्जिद के लिए वक्फ करें। उस पंडित ने जो है तो वो ज़मीन मस्जिद के लिए दे दी। सरकार औरंगज़ेब आलमगीर ने उसी वक्त जो है तो तांबे के पत्र पर जो है तो ये तहरीर पुनिंदा करवा दी और जो है कि लिख दिया कि हमेशा इस मस्जिद के मुतवल्ली इसी के घराने के लोग रहे। आज भी वो मस्जिद गंगा के किनारे धरीरा नाम की मस्जिद के नाम से जो तो आबाद। तो ये है औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने अपने दौर हुकूमत में वो मिसाल कायम की है कि तारीख आज भी अंकुश बदंदा है। लेकिन अफसोस कि आज के दौर के कुछ फिरका परस्तों ने ये हवा उड़ा रखी है कि औरंगज़ेब ने जो है तो तलवार के बल पर इस्लाम को फैलाया। आज तारीख में औरंगज़ेब को एक जालिम और खूंखार की शक्ल में पेश किया जाता है और उस पहाड़ी चूहे को जिसकी कोई तारीख नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, उसकी तारीख उस पर तारीख पर जो है तो उस किताबें गढ़ दी गई, तारीखें गढ़ दी गई और जो है तो पूरी पूरी किताबें लिख दी गई जिसके लिए कभी एक सफ़ा होता था पूरी किताबें बना दी। आज ये दौर चला। तो बहरहाल बताने का मकसद यह है कि असलाफ में हमारे वो भी गुजरे हैं जिन्होंने ऐसी मिसालें कायम फरमाई है। तो जब अल्लाह किसी को हुकूमत देता है तो फिर ये भी देखा जाता है कि इसने क्या किया है। अल्लाह जब नेमत देता है तो बंदे को देखता भी है कि बंदे नेमत मिलने के बाद तू करता क्या है, तू मेरा शुक्र कैसे अदा करता है, तू मेरी शरीयत का पास व लिहाज कैसे करता है। तो यहाँ से मुसलमानों को भी सब्र लेना चाहिए कि आज अगर उसकी हुकूमत है तो वो जो कर रहा है उस पर सब्र करे और जब अल्लाह तुम्हें गलबा अता फरमाए तो तुम वो करना जो तुम्हारे नबी ने किया कि जब आका करीम सल्लम मक्का में दाखिल हुए तो ऐलान फरमा दिया ला तसरीबा अलैकुम अल्यौम, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, आज किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा, आज किसी को सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि एक हुक्म ऐलान देकर नबी ने सबको माफ़ कर दिया। तो गर्ज के ये इस्लाम है जो हमें तालीम देता है, लेकिन इसी इस्लाम को लोग बदनाम करते हैं। बहरहाल तो ये वाक्य से बताने का मकसद ये है कि रब ताला लोगों के उरूज इकबाल इतबार और जो है तो वगैरह इन चीज़ें देकर आजमाता है बंदे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से वही कहा कि अभी उसका वक्त है, वो जो कर रहा है, लेकिन एक वक्त तुम्हारा भी आएगा तो लिहाजा रब ताला देखेगा कि तुमको जब ऐश आराम मिलेगा और हुकूमत मिलेगी तो फिर तुम क्या करते। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इशारा दिया था वो पूरा भी हुआ। आप सुनेंगे आगे कि बनी इसराइल जो है तो कुरान के अंदर सबसे ज्यादा नाशुकरी कौम बनी इसराइल को कहा और सबसे ज्यादा अंबिया इसी कौम में आए,
सबसे ज्यादा नीमतें इस कौम पर उतरी, इनके लिए मन्ना सलवा उतरा, इनके कहने पर बच्चे कपड़ों के साथ पैदा हुए, इन पर अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, लेकिन बड़ी नाशुक्री कौम थी। बहरहाल उस पर मैं बात आगे करूँगा। तो गर्ज के अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जो है तो लोगों को ये हालात से गुजारता है, देखता है कि कौन क्या करे। तो बहरहाल यहाँ पर चंद चीज़ें उसे समझ, सबसे पहली चीज़ कि अपने दुख दर्द की शिकायत नबी वली से करना, अल्लाह वालों से करना, ये जो है तो जायज़, और ये अल्लाह ही के हुक्म से, अल्लाह ही के इज़्ज़त से, इसलिए कि अल्लाह वाले अल्लाह इनकी पहले सुनता। हम तो गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, हमारी आवाज़ में वो ताकत ही कहाँ कि जो ऊपर तक जा सके, हम अपनी आवाज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए हमें माइक का साथ, अल्लाह तो सबकी सुनता है, मैं पहले भी कह चुका, लेकिन जो असल सोच और दर्द हो, जो दुआ के अंदर असर होनी चाहिए, वही औलिया अल्लाह के पास होता है। इन नबियों की जबान में होता है, इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआएं मोहम्मद, हुजूर दुआ करते अल्लाह पूरा फरमाते, अल्लाह वाले अपने हाथ उठाते हैं, अभी हाथ नहीं फेरते कि अल्लाह काम को पूरा फरमाते। या तो हम घर परसों आकर पेशानियाँ रगड़ते हैं कि मौला कर दे, ये कर दे, लेकिन नहीं होता, हमने अपने आप को उस काबिल नहीं बनाया कि अभी हमारी आवाज़ अर्श को चीर कर वहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए अपने अंदर वो सोच पैदा करे, वो इखलास और वो खलूस पैदा करे, और जब तक के नहीं तो इन अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर अर्जी लगाए, क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। हुज़ूर फरमाते अना हासिल वल्लाह युती, अल्लाह अता करता है, मैं तकसीम करता। तो रब ताला इन्हीं के वास्ते और वसीले से अता करता है। दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि हर मुसीबत के दिफा के लिए जो है तो बंदों को चाहिए कि वो अल्लाह से मदद चाहे और सब्र करे, हर मामले में सब्र करना सीखे। और एक चीज़ ये कि हर चीज़ का मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़मीन का मालिक अल्लाह, वो जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है। तो ये जो रब का है, बनाना है ना वारिस, वक्ती तौर पर हकीकी मालिक जो है वो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को इसकी विरासत अता फरमाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊँ कि हमारा जो घर है, हम रहते हैं, हम कहते हैं हमारा, सच पूछो तो हमारा कुछ भी नहीं, हम खुद भी हमारे नहीं, या जिस्म हमारा नहीं, ये रूह भी हमारी नहीं, सब कुछ खुदा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ से सब है, उसी की तरफ लौट करके जाते हैं। हम खुद हमारे नहीं हैं, हम भी उसी के हैं, सब कुछ उसी का है, लेकिन ये उसका कर्म है कि बंदों को नियमतें अता करता है, कहता अच्छा ठीक है तेरा, हम कहते हैं घर मेरा है, ये पलाट मेरा है, ये फला चीज़ मेरी है, वो फला चीज़ मेरी है। हज़रत इब्राहिम ने अदम के बारे में एक रिवायत मशहूर है कि आप एक मतलब अपने महल में बैठे हुए, वलायत मिलने से पहले आप एक बहुत बड़े बादशाह बैठे हुए, एक फ़कीर आया, कहने लगा इब्राहिम घर किसका है, बोले मेरा है, बोले अच्छा तुझसे पहले किसका था, बोले मेरे बाप का, बोले उनसे पहले तो बोले उनके बाप का, उनसे पहले तो बोले उनके बाप का, तो बोले फिर तेरा कब से हुआ, ये तो एक मुसाफिर खाना है जो आता है चंद दिनों के लिए, ठहरता है, मर जाता है, चला जाता है, बाद वाला वारिस बन जाता है, फिर ये तेरा कब हुआ, लिहाजा एक दिन तू भी चला जाएगा, तेरे बाद किसी और का हो जाएगा। लिहाजा ये कहकर वो फकीर आगे बढ़ा, हजरत इब्राहिम अदहम की फौरन जो है तो होश ठिकाने आए और उनके पीछे दौड़े, उनका दामन पकड़ा, कहा कौन, कहा खिज़र अलैहिस्सलाम, इतना कहा गायब हो। उसी दिन से इब्राहिम अदहम ने सल्तनत को छोड़ा, महल को छोड़ा, और जो है तो एक कोंडा अपने जो तो बदन पे डाला और अल्लाह की बात में मशगूल हो गया। जब सब कुछ उसी का है तो फिर मेरा तेरा करने की जरूरत क्या है, तो सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह जिसे चाहता है मालिक बना देता है। अल्लाह मालिक है कि ये अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वही खालिक कायनात और वही हकीकी मालिक कायनात है, और उसने अपने फजल से अपने महबूब को मालिक आलम बना दिया, उसने हुजूर को रहमतुल आलमीन बना दिया, अपने नेक बंदों को हुकूमतें अता फरमा दी, अपने महबूब को सब कुछ अता फरमा दिया। फरमाया महबूब जन्नत मेरी है, बनाई मेरी है, लेकिन महबूब बसाना तुझे है, मैं तुम्हें मालिक बनाता। आरफ फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा, तेरा का महबूब जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा,
सरकार आला है, सरकार ताईश क्या फरमाते हैं कि जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत ही बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह ने सब कुछ महबूब को दे दिया, क्यों? कि महबूब जो तेरा है वो मेरा, तो यहाँ तेरा मेरा कुछ नहीं होता, महबूब सब कुछ हमारा ही। तो वो या कैसे क्योंकि रब ताला फरमाता है जिस रब ने फरमाई होगा ही उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ, अल्लाह हुजूर के हाथ को अपना हाथ फरमाता है। वो मैं यूँ किया रसूल फ़कत अता अल्लाह, जिसने रसूल की पैरवी की उसने अल्लाह ही की पैरवी की। वो फरमाता है कि है महबूब जो आपका हो गया वो मेरा हो गया, जिसने आपके दर पर हाथ आपके हाथ में हाथ दे दिया मेरे हाथों में हाथ दे दिया। वो मार उमीता इस रमी तमला महबूब जो कंकड़ी आपने फेंकी आपने नहीं बल्कि हमने फेंकी, हुजूर के हाथ को अल्लाह अपना हाथ कहे, हुजूर के काम को अल्लाह अपना काम कहे, हुजूर की अतात को अल्लाह अपनी अतात कहे, तो पता चला जो हुजूर का है वो खुदा और जो खुदा का है वो मुस्तफ़ा का है। पर खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह समझिए। और एक आखिरी चीज़ यहाँ पर जो कहा गया कि इस्तईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद चाहो। यहाँ पर जो है तो जवाबी देवबंदी इतराज करते हैं कि भाई अल्लाह ही से मांगनी चाहिए, ईया करना आप ईया करना सही, अल्लाह जी से मदद चाहते हो तेरी इबादत करते, बेशक मदद अल्लाह ही से चाही जाती है और अल्लाह ही है जो सबकी मदद फरमाता है। लेकिन जो है तो बाज़ और अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया से मदद मांगना, अल्लाह ही से मदद मांगना, मैंने कहा ना कि सब कुछ अल्लाह हुजूर के काम को भी अपना काम कहता है। अल्लाह ही ने हमें कहा कि मा अताकुम रसूल, रसूल जो देव देव, तो गोया रसूल से मदद लेना खुदा ही से मदद लेना है। हुजूर फरमाते हैं इन्ना मना कासिम वल्लाह यूती, अल्लाह अता करता है मैं तकसीम करता हूँ। तो गोया हुजूर से मदद मांगना अल्लाह ही से मदद मांगना है, अल्लाह वालों से मदद लेना अल्लाह ही से मदद मांगना है। ये कोई खुदा के गैर नहीं, ये खुदा के महबूब बंदे हैं। हाँ, जो खुद जो चूँकि कुफार मुशरिकीन का अकीदा ये था, समझ ले इस्लाम का अकीदा और कुफ्र का अकीदा, इसमें फ़र्क समझ ले। काफिरों का अकीदा ये है कि ये जो बुत है जिनको हम पूजते हैं ये कयामत के दिन खुदा से लड़कर हमें बचा, माज़ल्ला अगर खुदा ने जहन्नम में डालना चाहेगा तो ये बुत जो है तो खुदा से लड़ झगड़ कर हमें बचा लेंगे। ये अहले कुफ्र का अकीदा है और इस्लाम ने यह अकीदा दिया कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे को जहन्नम में डालने का इरादा फरमाए उसे डाले तो ये अंबिया औलिया उसके लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, शफाअत करेंगे, अब अल्लाह इनको इज़्ज़त देगा और अल्लाह इनकी इनकी जो तो ताज़ीम की खातिर इनकी शफाअत को कबूल फरमा करके अल्लाह उस बंदे को माफ़ फरमा दे। और अगर अल्लाह अगर अल्लाह इरादा ही फरमा ले तो फिर ये बंदों को अल्लाह शफाअत से रोक देगा कि इसने जहन्नम में जाना ही है लेकिन अपनी सज़ा भुगत के वापस आना। तो बहरहाल ये है कि अहले इस्लाम का अकीदा यह है कि अल्लाह वाले अल्लाह की अता से, अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह के कहने से हमारी मदद करते, वो दुनिया में भी करते और आखिरत में भी करते। इसलिए कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान ले। जो दुनिया में कहते हैं ना कि नबी किसी की मदद नहीं करते, तो नबी कयामत में उनकी मदद नहीं करेंगे, इसलिए कि कयामत के दिन तो सबको नबी की सूरत पढ़ने वाली है, सारे नबियों को पढ़ने वाली है। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगना हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। सारे नबी कहेंगे इस हबू ला गैरी, लेकिन हुजूर कहेंगे अला लहा अला लहा, मैं इसीलिए उनकी तुम्हारी मदद। तो हुजूर वहाँ भी मदद करेंगे, यहाँ भी मदद करते हैं, अल्लाह वाले यहाँ भी मदद करते हैं, वहाँ भी मदद करेंगे। अब जिनका अकीदा नहीं है हम उनसे कुछ नहीं कहते, वो ना करें उनकी मदद तो ना यहाँ होनी है ना वहाँ होनी। तो अल्लाह वाले भी बाज़ औक़ात मदद मांगते हैं। अल्लाह के नबियों ने कहा ना मन अंसार इल्लल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करे, अपने हमवारियों से कहा। याद रखें अल्लाह ताला भी फरमाता है तुम मेरे दीन की मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो रब का या अंबिया औलिया का गैरों से बंदों से मदद मांगना इसलिए नहीं है कि वो मदद के मोहताज हैं। अल्लाह हमारी मदद का मोहताज नहीं है, अंबिया औलिया हमारी मदद के मोहताज नहीं है, इस्लाम हमारी मदद का मोहताज नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि हमसे काम लेकर हमको इज्जत अता फरमा देते हैं। बंदे तुम ये काम कर ले तो तुझे इज्जतें अता फरमा दूंगा, वरना वो चाहे काबे को बचाना चाहे तो आबादी को भेज कर अपने घर को बचा लेता है।
तो वो हमारी मदद का मोहताज नहीं है। तो इसलिए ये अकीदा अच्छी तरीके समझ ले कि मदद मांगना उस वक्त शिर्क है जब किसी गैर को अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा कोई किसी को मुस्तकिल बिल ज़ात मदद करने वाला, बग़ैर खुदा की अता के, बग़ैर खुदा के इज़्न के मदद करने वाला माने तो ये खुदा हुआ शिर्क। चाहे ऐसा अकीदा वो नबी की शान में रखे या किसी वली की शान में रखे, ऐसा इंसान मुशरिक। लेकिन यह अकीदा इस्लाम का है कि अल्लाह वाले अल्लाह के नबी, अल्लाह के वली, अल्लाह की अता से मदद करते हैं, ये इस्लाम का। तो इसको ज़हन में रखें। अल्लाह तबारक व तआला के ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, मसाइल नमाज के हैं, चंद उसको भी आप जो है समाप्त करें। जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए मुख्तदियों को चाहिए कि वो इमाम के पीछे कीरत ना करें, चाहे नमाज जिहर हो या नमाज सिर हो, मगरिब इशा हो या कोई भी नमाज हो, पाँचों टाइम की नमाज। जब इमाम के पीछे हम खड़े हो गए तो हमें कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ तक कि नमाज में ताउस तस्मिया ये किरत के ताबे है वो भी ना पढ़े, क्योंकि वो किरत के ताबे। इसलिए सिर्फ सना पढ़ के, इमाम के पीछे सना पढ़ के खामोश खड़े रहे और नमाज को मुकम्मल करें। हाँ, वो शख्स जिसकी एक तो रकात छूट गई, वो सलाम करने के बाद जब खड़ा होगा तो वह सब पढ़ेगा, सना भी पढ़ेगा, ताउस तस्मिया भी पढ़ेगा और फिर जो है तो किरत भी करेगा। अगर इमाम की किरत शुरू कर चुका है, जहरी नमाज है और इमाम की किरत शुरू होगी और हम थोड़ा सा लेट आए, तो फिर उस वक्त जो है तो सिर्फ तब्बीक कह के खामोश करेगा, उस वक्त सना ना। बाद लोग उस वक्त सना पढ़ते हैं तो सना ना पढ़े, बल्कि बाद उलमा फरमाते हैं कि सिंधी नमाज भी अगर हो और ये गुमान है कि इमाम की किरत शुरू कर चुका होगा, तब भी सना ना पढ़े, बल्कि खामोशी के साथ जो है तो तकबीर तहीमा कह करके जो तो खड़े हो जाए। लिहाजा जो इमाम के पीछे किरत करे उसके बारे में रिवायत में आता है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसने फरमाया कि इमाम की किरत मुख्तदी की किरत है। हज़रत साद बिन वक़ास फरमाते हैं कि मैं उसको दोस्त रखता हूँ जो इमाम के पीछे किरत न करे, और जो इमाम के पीछे किरत करे उसके मुँह में अंगार। और एक रिवायत में आया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जो इमाम के पीछे किरत करे काश उसके मुँह में पत्थर। तो गर्ज़ के एक रिवायत में ये भी आता है कि जिसने इमाम के पीछे किरत की उसने अपनी फितरत से खता। तो इमाम के पीछे किरत ना करे, अपनी नमाज़ों को सही करे। अल्लाह तबारक तआला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू गलती तौबा करता हूँ।